दुनिया में लोगों के अलग अलग तरह के शौक होते हैं, या यूं कहें कि कुछ लोगों को खतरों का खिलाड़ी बनने की आदत होती है। ये लोग अपने आप को एडवेंचर्स का दर्जा देते हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये लोग दुनिया में हर उस जगह जाते हैं जो खतरनाक एडवेंचर के लिए मशहूर होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ एडवेंचर्स राइड और स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कई लोगों को एडवेंचर पार्क या थीम पार्क की जगह असली लोकेशन पर बिना सेफ्टी के एडवेंचर करना पसंद होता है। उन लोगों के लिए डेविल्स वुड यार्ड बहुत ही सही जगह है। कोलंबिया का एल टोटुमो मड वॉल्केनो उन्हीं जगहों में से एक है। ये एक एक्टिव मड वॉल्केनो है। एडवेंचर के शौकीन लोग इसमें नहाने के लिए 50 फीट ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं और गर्म मिट्टी में नहाने का मजा लेते हैं। अब एडवेंचर साइकिलिंग करने वाले लोगों ने आइलैंड के क्लिफ्स ऑफ मोहर के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक पहाड़ के ऊपर 4 फीट चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जिस पर लोग साइकिलिंग करते हैं। यहाँ से नीचे गिरने का मतलब सीधे जान से हाथ धोना है, लेकिन हर साल यहाँ सैकड़ों लोग साइकिलिंग करने आते हैं। अब हम आपको इन्फिनिटी लूप्स के बारे में बताते हैं। इस राइड को एक डच कंपनी ने 2016 में डिजाइन किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची राइड है। ये राइड 235 फीट की ऊंचाई तक मूव करती है। इसे बहुत ही सुपरविजन में चलाया जाता है। इसे सिर्फ एक ही लूप लेने की परमिशन है, क्योंकि उसके बाद अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। कोलोराडो के एक थीम पार्क में भी जॉइंट कैनियन राइड नाम की ऐसी ही स्विंग राइड है। ये राइड इन्फिनिटी जितनी ऊंची तो नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी से ज्यादा खतरनाक जगह पर मौजूद है। ये राइड एक पहाड़ के किनारे पर है। इस राइड की शुरुआत धीरे धीरे होती है, लेकिन बाद में ये राइड 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। कोलोराडो में ही एक और खतरनाक राइड है। ये एक फ्री फॉल राइड है जिसमें एक सीट पर बैठकर आपको 200 फीट की ऊंचाई से सीधे आपको नीचे फेंक दिया जाता है। ये राइड 160 किलोमीटर की रफ्तार से आपको नीचे गिराती है। किसी भी थीम पार्क का मेन अट्रैक्शन वहां की राइड होती है, और रोलर कोस्टर एक ऐसी राइड होती है जो हर थीम पार्क में होती है। साउथ कोरिया के एक थीम पार्क में ब्रेकर नाम का एक रोलर कोस्टर है। ये दुनिया के सबसे तेज और ऊंचे रोलर कोस्टर में शुमार है। ये 900 फीट की ऊंचाई तक जाता है और नीचे आने से बिल्कुल पहले कोने पर रुक जाता है, फिर दुगनी तेजी से नीचे आता है। दोस्तों, कुछ लोगों को खतरों का खिलाड़ी बनने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि जो काम वो कर रहे हैं ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि बेवकूफी है। उसका नमूना है ये आदमी जो बाइक से रेलवे ट्रैक पर खड़ा है। ये आदमी सामने से गुजर रही ट्रेन निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि दूसरी तरफ जा सके, लेकिन ये बेवकूफ आदमी ये नहीं सोच रहा है कि दूसरी तरफ खड़ी ट्रेन उसकी वजह से लेट हो रही है, और अगर गलती से वो ट्रेन चल दी तो ये कहां जाएगा। खैर दोस्तों, इन बेवकूफ लोगों को छोड़िए और आप ये बताइए कि दुनिया की इन एडवेंचर्स प्लेसेस और राइड में से आप कहां जाना पसंद करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।